नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 3 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जहां पर गृह विभाग ने मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। बिहार बनेगा भारत का सबसे धनी राज्य। पीएम मोदी से बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का किया गया आग्रह। बिहार में सहजन, रजनीगंधा और मघीपान की खेती का होगा विस्तार। केंद्र सरकार नहीं कराएगी जातीय जनगणना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म आज ही के दिन साल 1884 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से भी थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 और 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें प्रायः राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता है। कन्या उत्थान योजना के लिए घर बैठे बैठे करें आवेदन। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को रफ्तार देने के लिए एक नई पहल की गई है। इसके तहत अब घर बैठे बैठे बेटियों के माता पिता मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ई कल्याण पोर्टल पर जाकर जन्म से 2 साल तक की बेटियों को लाभ दिलाने के लिए आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन में पूछे गए तमाम बातों की जानकारी देनी होगी। साथ ही संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र और सेविका का नाम देने के साथ ही बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और माँ के साथ बच्ची की तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद अभिभावकों को योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कोसी मेची नदी लिंक योजना को केंद्र सरकार की स्वीकृति। बाढ़ से तबाही बिहार में हर साल देखने को मिलती है, जिसके कारण ही लाखों लाख आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने की अब योजना बिहार में बनाई जा रही है, जिसके तहत ही सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना बना ली है। नदी को जोड़ने की योजना पर राज्य सरकार ने अपने स्तर से तो काम शुरू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत कोसी मेची लिंक योजना के लिए बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से अनुमति भी मांगी जा रही थी, जिसके बाद बीते दिन ही बिहार की कोसी मेची लिंक योजना का मसला लोकसभा में उठा, जिसके जवाब में ललन सिंह ने कहा कि कोसी मेची लिंक योजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार का निर्णय है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई क्षमता वाली जो योजनाएं होंगी उनको राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे। सरकार नहीं कराएगी जातीय जनगणना। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश के बीच जातीय जनगणना को लेकर हुई मुलाकात के बाद बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाएगी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं तो बिहार में अपने खर्चे पर यह करवा सकते हैं। आम जनगणना 2020 में होनी थी, अब इसको कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है, कभी भी जनगणना शुरू हो जाएगी। ऐसे में जातीय जनगणना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार का ध्यान इस बात पर है कि देश में कितनी गरीबी है और उसके लिए किस तरह बेहतर योजना शुरू की जाए। तूफान का असर, राजधानी एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियां हुई रद्द। अगर आप झारखंड और पश्चिम बंगाल की तरफ यात्रा करना चाहते हैं तो आप एक बार अपने ट्रेन का स्केड्यूल जरूर देख लीजिए, क्योंकि भारतीय रेलवे ने अपने कोहरे और अब चक्रवात के कारण ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जवाद चक्रवात के कारण बिहार से गुजरने और चलने वाली 7 ट्रेनों को इसी क्रम में रद्द किया गया है। बता दें कि इससे पहले 1 दिसंबर से 42 ट्रेनों को कोहरे के कारण रद्द किया गया था और ईसीआर की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आए समुद्री तूफान जवाद के कारण पूर्व तटीय रेल से होकर खुलने और गुजरने वाली 7 ट्रेनों का परिचालन सुरक्षा को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि शनिवार की सुबह और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान जवाद पहुंच सकता है। जाम पर गृह विभाग ने मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। बिहार के विभिन्न जिलों में जाम की समस्या का मुद्दा हाल ही में विधान परिषद में उठाया गया था। हालांकि मुद्दा उठाने के तुरंत बाद तो इस पर कोई पहल नहीं की गई, लेकिन अब जाकर गृह विभाग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 1 सप्ताह पहले जाम पर सभी जिलों से कार्रवाई करते हुए निदान पर मंतव्य की मांग की गई थी। अब गृह विभाग ने फिर जिलों से एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग की है। इतना ही नहीं, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 7 दिसंबर को पूरे राज्य में जाम की स्थिति पर समीक्षा बैठक बुलाई है। पुलिस महानिरीक्षक MR महानायक ने इस संबंध में सभी आयुक्त, IG और DIG को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में जिलों से जाम पर की गई कार्रवाई और मंतव्य देने की बात पर सहमति बनी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट के बीच बिहार में खुला ऑक्सीजन प्लांट। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गए हैं। तीसरी लहर आने की संभावनाओं को देखते हुए सभी चिकित्सकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बक्सर जिले में 2000 LPM के 3 ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं। बक्सर सदर अस्पताल में जनप्रतिनिधियों की पहल पर SJVN कंपनी की तरफ से 500 LPM का और प्रधानमंत्री केयर फंड से 1000 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है। परिषद की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए हुई स्थगित। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का बीते दिन चौथा दिन था। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष के सदस्यों ने किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। विधान परिषद में राबड़ी देवी मुजफ्फरपुर में हुए आंख के गलत ऑपरेशन का मामला उठाते देखी गई और इसके साथ ही राबड़ी देवी ने कहा कि सदन में मंत्री की गाड़ी रोकी जाती है। जब मंत्री की कोई वैल्यू नहीं है तो किसका वैल्यू है बताइए। तो वहीं CAG की रिपोर्ट सदन में रखी गई, जिसके बाद आज सुबह के लिए दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज बिहार विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से प्रश्नकाल से शुरू होगी, उसके बाद सुनने का काल होगा और फिर ध्यानाकर्षण। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सभी काम अब होंगे ऑनलाइन। संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने अपने मध्यमा परीक्षा संबंधित सभी कार्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत बोर्ड ने बताया है कि मध्यमा परीक्षा संबंधित सभी कार्य अब ऑनलाइन होंगे। इसके अलावा प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र में नाम, पिता का नाम आदि में त्रुटि सुधार का मौका भी बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। इसको लेकर हाल ही में बोर्ड की तरफ से एक बैठक का आयोजन भी करवाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड की अध्यक्ष डॉ भारती मेहता ने की। ज्ञात हो, बैठक में 15 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही बैठक में बोर्ड कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए सहायता अनुदान के रूप में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 5 दिसंबर को बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। बिहार में फिलहाल ठंड का असर इतना भयावह देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में हवा का प्रवाह 1.5 किलोमीटर ऊपर हो रहा है, जिसके कारण ही अभी ठंड का प्रवाह नहीं देखने को मिल रहा है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवाओं का प्रवाह तेज है, लेकिन 1.5 किलोमीटर ऊंचाई के कारण इसका असर कम दिख रहा है। इसके प्रभाव से आर्द्रता अधिक हो रही है और मौसम शुष्क होने के कारण ठंडी हवाएं बिहार के सभी हिस्से में समान रूप से प्रवाहित नहीं हो पा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 5 दिसंबर को बिहार के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके बाद तापमान में 2 से 5 डिग्री तक का गिरावट होने का अनुमान है। बिहार बनेगा भारत का सबसे धनी राज्य। बिहार का नाम आते ही आपके दिमाग में भी गरीबी, बदहाली, खराब जीवन व्यवस्था और ना जाने क्या क्या ख्याल आते होंगे, क्योंकि बिहार को देश भर में सबसे ज्यादा गरीब राज्यों में गिना जाता है। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में भी यही बात कही गई थी। ऐसे में अगर हम आपको बताएं कि बिहार में एक ऐसा जिला है जहां पर देश का सबसे बड़ा सोन भंडार है, तो शायद आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है। जो यहां देश का सबसे ज्यादा सोना बिहार के जमुई जिले में है। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बिहार में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार है। प्रहलाद जोशी की माने तो बिहार में 37.6 टन धातु युक्त अयस्क सहित 223 मिलियन टन स्वर्ण धातु उपलब्ध है। ये देश के स्वर्ण भंडार का 44% है। मुजफ्फरपुर के लापरवाह आई हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। मुजफ्फरपुर के एक आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को एक अजीबोगरीब वाकया हुआ, जिसके तहत मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद से कई लोगों की आंख की रोशनी ही चली गई और कई लोगों को आंख निकलवानी भी पड़ी, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हरकत में आ गई है। जिसके बाद ही टीम बीते दिन मुजफ्फरपुर पहुंची। यहां पटना से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने माना कि अस्पताल ने जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए FIR करने की नौबत आई है। पटना से आई जांच टीम ने बताया कि हम लोगों ने अभी सिविल सर्जन से बातचीत की है और आई हॉस्पिटल और SKMCH की भी स्थिति को जानेंगे, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन 1 से 12 जनवरी तक। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालयों को भेजे गए जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 का आयोजन 1 से 12 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव में बिहार से 18 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इसमें 9 छात्र और 9 छात्राएं शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर कला उत्सव में 11 जिलों के प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें अरवल, बेगूसराय, दरभंगा, गया, गोपालगंज, कटिहार, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, सारण और शेखपुरा जिला के प्रतिभागी शामिल होंगे। ज्ञात हो, राज्य स्तर पर चयनित 18 प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर करें, इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जो कि 2 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। बिहार में सहजन, रजनीगंधा और मघीपान के खेती का होगा विस्तार।
बिहार में कृषि विभाग ने ऐसे पौधों की खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है जिसमें औषधीय और पोषक तत्व मौजूद है। ऐसे में बिहार में सहजन की खेती को तो शुरू कर दिया गया, जल्द ही रजनीगंधा और मघीपान के क्षेत्र का विस्तार भी किया जाएगा। इसको लेकर कृषि विभाग ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सभी फसलों के लिए इकाई क्षेत्रफल का मानक निर्धारित कर सब्सिडी आदि पर आने वाला खर्च और भुगतान आदि का भी निर्धारण कर दिया गया है। सहजन का क्षेत्र विस्तार 5-5 हेक्टेयर के क्लस्टर में कराया जाएगा, वहीं मघीपान और रजनीगंधा की खेती का विस्तार समूह बनाकर किया जाएगा। पीएम मोदी से बेहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का किया गया आग्रह। बीते दिन भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने दिल्ली में संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विवेक ठाकुर ने प्रधानमंत्री से प्रस्तावित बेहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का अति शीघ्र शिलान्यास करने का आग्रह किया है। साथ ही पीएम मोदी को उन्होंने ये भी बताया कि इस एयरपोर्ट का शिलान्यास होने के बाद इसका नामकरण महान किसान नेता और स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती पर बिहार सरकार से प्रस्ताव आने के उपरांत केंद्र उसे स्वीकार करे। इसके साथ ही विवेक ठाकुर ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि मोकामा बढ़िया ताल परियोजना का केंद्र सरकार द्वारा संचालन। कोर्ट ने नीतीश सरकार की खोली पोल। बीते दिन बिहार विधानसभा में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की गई। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने विधानमंडल के दोनों सदनों में इस रिपोर्ट को रखा। जारी किए गए रिपोर्ट में नीतीश सरकार के सुशासन की पोल खुल गई है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में राजकोषीय स्थिति की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार को 2008-09 के बाद पहली बार 14,724 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 917 करोड़ यानी कि 6.64% बढ़ गया है। वहीं राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2015-16 में 4,963 करोड़ से घटकर 19-20 में 3,733 करोड़ हो गया है। 2018-19 में थोड़ी कमी आई थी। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्ति में 7,561 करोड़ यानी कि 5.74% की कमी देखी गई है, जो बजट आकलन से 29.71% कम था। भाई वीरेंद्र और संजय सारावगी के बीच कराया गया सुलह। बिहार विधानसभा के परिसर में दो विधायक जिसमें राजद के विधायक भाई वीरेंद्र और भाजपा विधायक संजय सारावगी के बीच काफी बहस हुई थी। आलम कुछ यूं रहा कि बात मारपीट तक आ गई थी, जिसके बाद बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष ने अपने चैम्बर में दोनों ही विधायकों को बुलाया था। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र और भाजपा के विधायक संजय सारावगी के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को बुलाकर दोनों विधायकों के बीच सुलह करवाई गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस बात को लोग सुनिश्चित करें कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो। भारत में हुई नए वेरिएंट की एंट्री, जिस बात का डर था आखिरकार वही हो गया। देश अभी दूसरी लहर से पूरी तरह उभरा भी नहीं था कि अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक भारत में भी हो गई है। अब तक ये वेरिएंट दुनिया भर के 29 देशों में फैल चुकी थी और अब भारत में इसके दो मरीज मिल गए हैं। देश में पहले दो मरीज कर्नाटक से मिले हैं। इस बात की पुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने गुरुवार को की है। ये दोनों ही मरीज विदेशी हैं, जिनमें एक की उम्र 46 साल है और दूसरे की उम्र 66 साल है। आईसीएमआर ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की बनाई गई 37 लैब में संक्रमितों की जीनोम सिक्वेंसिंग की जा रही है। इनमें कर्नाटक के दो सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। आपको यह भी बता दें कि ये दोनों ही विदेशी नागरिक नवंबर महीने में आए थे, जिनमें एक 11 नवंबर तो दूसरा 20 नवंबर को भारत आया था। अब उनके संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी निगरानी की जा रही है। लालू प्रसाद यादव को अस्पताल से मिली छुट्टी। बिहार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीते कई दिनों से अपनी सेहत के खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद बीते दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 26 नवंबर के दिन से ही वो एम्स के इमरजेंसी में एडमिट थे, जिसके बाद उन्हें एम्स के आईसीयू वार्ड में इलाज के लिए रखा गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बुखार और चक्कर आने के कारण लालू यादव को दिल्ली एम्स में एडमिट करवाया गया था, लेकिन अब उनकी सेहत में सुधार नजर आ रहा है। वहीं बीते दिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के साथ ही लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर वापस लौटे। मिली जानकारी के अनुसार अब उन्हें बुखार नहीं है। मंत्री जी के रोके जाने पर स्पीकर ने बुलाई बैठक। बिहार में बीते दिन जीवेश मिश्रा को ट्रैफिक पुलिस ने जैसे ही रोका, ये मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक गूंज उठा। मंत्री को अफसरों द्वारा रोके जाने और एसपी डीएम की गाड़ी को पार कराने के बाद संजय जायसवाल ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्वेंट राजतंत्र की तरह व्यवहार करते हैं। अगर मंत्री को रोके जाने और डीएमएसपी की गाड़ी को पास कराने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मामले पर संज्ञान लिया। वहीं सदन में भारी हंगामे के बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। इतना ही नहीं, आलम कुछ यूं रहा कि विपक्षी विधायक मंत्री के समर्थन में आ गए और वेल में पहुंचकर मंत्री जी न्याय दो का नारा बुलंद करने लगे।
तेज प्रताप यादव पर संकट बरकरार। विधायकी के खिलाफ उठी लॉ अब तेज प्रताप को राहत देती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बीते दिन एक बार फिर से राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके तहत कोर्ट में गरीब मालाकर ने अपनी गवाही दी। वहीं जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने इस मामले पर सुनवाई की है। इस दौरान गरीब मालाकर का संबंधित पक्षों द्वारा परीक्षण और जिरह किया गया। तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने जिरह किया। तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर की है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बाजीराव द्वितीय को 1796 में मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध शुरू होने के बाद देश में आपातकाल लागू हुआ। भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म 1882 में आज के दिन हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में आज के दिन हुआ था। मुंबई में हुई 23 नवम्बर की घटना के बाद 2008 में आज के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज का जन्म 1982 में आज के दिन हुआ था। फिल्म अभिनेता और निर्माता देवानंद का निधन 2011 में आज के दिन हुआ था। भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का निधन 1979 में आज के दिन हुआ था। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 2 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,820 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,070 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.09 रुपए प्रति लीटर। टीम के साउथ अफ्रीका दौरे को लेकर नई जानकारी आई सामने। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेलने के बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए निकलना था, लेकिन इस कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव होने की संभावना अब जताई जा रही है। कोरोना वायरस महामारी के नए ओमिक्रॉन वेरियंट के कारण भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका दौरे को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बीसीसीआई के अधिकारी ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की कि दोनों बोर्ड लगातार बात कर रहे हैं और खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए स्ट्रेन के केस सामने आए हैं। हिंदी में लॉन्च हुआ लिंक्डइन। लिंक्डइन हिंदी समेत 25 भाषाओं में उपलब्ध हो गया है। ऐसे में नौकरी सर्च करने के मामले में भाषा बाधा नहीं बनेगी। हिंदी साथ में लिंक्डइन दुनिया की 25 भाषाओं को सपोर्ट करेगी। हिंदी में लिंक्डइन का फेज 1 बीते दिन से शुरू हो गया है। ऐसे में मेंबर्स अपनी फीड, प्रोफाइल, जॉब और मैसेजिंग तक पहुंच सकेंगे और अपने डेस्कटॉप, एंड्रॉइड और iOS फोन पर हिंदी में कॉन्टेंट बना सकेंगे। हिंदी में लिंक्डइन अब दुनिया भर में सभी सदस्यों के लिए डेस्कटॉप और एंड्रॉइड पर उपलब्ध होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रामचंद्र प्रसाद, चौरसिया अनन्या, दिव्यांशु कुमारी, रविंद्र पासवान, पिंकी कुमारी, मनीष मोहरा, मुर्तुजा आनंद, नीतीश कुमार, अनिरुद्ध कुमार, अतीक खान, श्वेता रॉय प्रदीप, निशु कुमारी, अशोक कुमार, नन्नू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आज भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मुकाबले में क्या भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।